के भजनपुरा में एक कोचिंग सेंटर की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्डिंग जिस वक्त गिरी उस वक्त उसमें स्टूडेंट्स मौजूद थे और वो मलबे के नीचे दब गए। हालांकि बाद में सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बीजेपी ने हादसे में मारे गए लोगों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 25-25 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इस दुखद घटना में हमने भी बीजेपी के तरफ से जो मृतक परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए करने देने की सहायता मुआवजा की भी घोषणा की और जो घायल हुए हैं उनको भी हम लोग उनके इलाज के लिए 25-25 हजार रुपए की व्यवस्था कर। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो नॉर्थ ईस्ट और असम को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए अलग करने की बात कह रहा है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। अलीगढ़ पुलिस के मुताबिक शर्जिल इमाम का ये वीडियो 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में भाषण का है। पुलिस ने शर्जिल पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। उस वीडियो को लेकर के यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धाराएं 124A, 153A, 153B, 505 सब सेक्शन 2 आईपीसी के तहत में मुकदमा शर्जिल इमाम पे दर्ज हुआ है। शर्जिल इमाम के बयान को बीजेपी ने जिहाद बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वीडियो को शाहीन बाग का बताते हुए दावा किया कि भारत के टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की जगह शाहीन बाग नहीं बल्कि दिशाहीन बाग है, तौहीन बाग है। शाहीन बाग नहीं, एक तौहीन बाग जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को एक तौहीन के रूप में देखता है, यही जिहाद होता है। दिस इज अ क्लासिकल कॉल ऑफ जिहाद। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क कोई मुर्गी की गर्दन नहीं, भारत को कोई नहीं तोड़ सकता। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, न किसी रीजन को आप तोड़ सकते हैं। ये एक मुल्क है, ये कोई मुर्गी की गर्दन नहीं है, ये जो आप बकवास कहेंगे। कांग्रेस ने शर्जिल के बयान को शाहीन बाग से जोड़ने को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए और इसे साजिश बताया। एक आदमी खड़े होके पैसा लेके इस तरीके की बात करे तो आप पूरे मूवमेंट को इल्जाम नहीं दे सकते हैं। उस आदमी को गिरफ्तार कीजिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। आम आदमी पार्टी ने शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि आखिर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। 24 घंटे में ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करिए, जेल में डालिए जो व्यक्ति कहता है, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति आपकी साजिश के तहत किसी तरह का बयान देता है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है कि इन गद्दारों की बात सुनकर कैसे मान लूं कि इनका खून है यहाँ की मिट्टी में। दिल्ली में चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह ने आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जीत की गूंज कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि वो ऐसी दिल्ली चाहते हैं जहां शाहीन बाग ना हो। हम ऐसा दिल्ली चाहते हैं जहां रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, साइकिल ट्रैक हो, वर्ल्ड क्लास रोड हो, ट्रैफिक व्यवस्था जाम से मुक्त हो और कभी शाहीन बाग न हो, ऐसा दिल्ली हम बनाएं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में दिल्ली में स्कूलों के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए। जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया। केजरीवाल ने पूछा कि क्या बीजेपी की सरकार वाले किसी भी राज्य में सरकारी स्कूलों की हालत दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बेहतर है। अमित शाह जी, आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है? इस शिक्षा को आप अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। आप लोगों की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, एक स्कूल दिखा दीजिए जो आपने ठीक करा हो। इस बीच चुनाव आयोग ने मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा पर 48 घंटे का बैन लगाया है। वो अगले 48 घंटों तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने विवादित ट्वीट पर कपिल मिश्रा के खिलाफ ये कार्रवाई की है। एक एक शब्द का पालन करूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं जलती हुई बस पे चुप रहूंगा, मैं पिटती हुई पुलिस पे चुप रहूंगा, मैं अगर कोई नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के तलवे चाटेगा तब भी मैं चुप रहूंगा, अगले 48 घंटे मैं बिल्कुल चुप रहूंगा।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सावरकर ने ही सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दी थी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने कहा कि सावरकर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान के दो अलग देश बने। थरूर ने कहा कि मुस्लिम लीग से 3 साल पहले हिंदू महासभा ये प्रस्ताव लाई थी। हिस्टोरिकल कैनन, द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द टू नेशन थ्योरी वाज एक्चुअली वीडी सावरकर, एज अ हेड ऑफ द हिंदू महासभा, हु कॉल्ड अपॉन इंडिया टू रिकॉग्नाइज हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज टू सेपरेट नेशंस। शशि थरूर के बयान को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे का कारण सावरकर नहीं अंग्रेज थे जिन्होंने फूट डालने का काम किया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के संबंध में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका हो सकती है। बंटवारे का मुख्य कारण है अंग्रेजों ने फूट डालकर हमेशा झगड़ा लगाने का काम किया है।